गुड मॉर्निंग ऑल। कल मैंने प्रॉब्लम सेट थोड़ा लेट भेजा, बट आई होप स्टिल आपने उसमें से स्टार्टिंग के कुछ प्रॉब्लम्स तो ट्राई किए होंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फ्रॉम दैट सेट एंड सम अदर प्रॉब्लम्स। कुछ और भी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें से कुछ प्रॉब्लम्स तो आप लोगों ने ही मुझे सेंड किए सॉल्व करके भी, और कुछ डाउट्स भी। सो लेट्स सॉल्व दिस। सो गाइज, यहाँ पर एज इट इज लिखकर भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सिर्फ चाहे तो इस पहले वाले ब्रैकेट से हम लोग टू कॉमन निकाल सकते हैं। अगर मैं टू कॉमन निकालता हूँ तो इट इज़ टू क्यूब। टू क्यूब इंटू एक्स माइनस हाफ क्यूब इंटू एक्स प्लस फोर स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस फाइव टू द पावर फाइव इंटू एक्स माइनस सेवनटीन टू द पावर टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डिवाइड बाय एट ऑन बोथ साइड्स। ये सब आप स्टेप बाय स्टेप करोगे या डायरेक्टली लिखोगे? एक्चुअली मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूं इसको टाइम नहीं लगना चाहिए। अभी मैं सिर्फ जब समझा रहा हूं तब मैं टाइम लगा रहा हूं, क्योंकि समझाते वक्त मुझे बताना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं। बट वेन एवर यू सॉल्व इट, यू शुड सॉल्व इट वेरी क्विकली, क्योंकि ऐसा लिखना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब मैं रियल नंबर लाइन पर हमेशा सभी नंबर बनाते जाता हूं। अब मैं यहां पर जरूरी नहीं समझता कि मैं सब कुछ बना लूं। माइनस फोर यहां पर हाफ, माइनस फोर हाफ फाइव एंड सेवनटीन। एंड एज वी नो मैंने जीरो सिर्फ रेफरेंस के लिए लिखा है। ज़ीरो इज़ नॉट पार्ट, और ज़ीरो कुछ यहाँ पर बाउंड्री बॉर्डर कुछ नहीं बना रहा है। तो गाइस पहले मैं आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा, मैं पहले सॉल्यूशन नहीं बनाता, मैं सिर्फ ग्राफ बना लेता हूँ। तो ग्राफ बनाते वक्त हमें पता है कि हाफ पर ज़ीरो है, माइनस फोर पर ज़ीरो है, और फाइव और सेवनटीन पर पोल्स है। 5 और 17 पर पोल्स है। हम लोगों ने डिसाइड किया था अगर x का कोएफिशिएंट हर जगह पर पॉजिटिव हो चुका है, हर फैक्टर का हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर्स इन Each factor is positive, hence rightmost region positive, यानी ये region अब positive। फिर से बता के रख दूं, ये region positive कब रहता है? आपको याद है ना, ये region positive तब रहता है जब x का coefficient हर जगह पर positive है। उसके बाद में फिर 17 अगर आप देखते हो तो यहाँ पर इवन है, इवन रहा तो वापस उसी रीजन में। फाइव पर मल्टीप्लिसिटी ऑड है, इसीलिए रीजन चेंज। हाफ पर ऑड है, चेंज। माइनस फोर पर इवन है, नो चेंज। गाइज आपको ग्राफ ध्यान में आया क्या? आई होप आप लोगों को अब ग्राफ ध्यान में आ गया है। जहां पर मल्टीप्लिसिटी इवन थी वहां पर हम लोग सेम रीजन में वापस गए, जहां पर मल्टीप्लिसिटी ऑड थी वहां पर हमने रीजन चेंज किया, पॉजिटिव से नेगेटिव में गए, नेगेटिव से पॉजिटिव में गए। अब हम देखते हैं हमें क्या चाहिए। हमें ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए। तो सॉल्यूशन
यहां पर देखो, यहां तक का पूरा रीजन है, आपको जीरो भी चाहिए तो ये पूरा ही रीजन है, कुछ छूट नहीं रहा है यहां पर। फिर इसे छोड़ना है क्योंकि यहां पर वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं होती, यहां पर भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती, लेकिन इधर का पूरा रीजन है। सो एज यू कैन सी, अवर सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज माइनस इन्फिनिटी टू हाफ यूनियन राउंड ब्रैकेट फाइव, फाइव टू सेवनटीन यूनियन सेवनटीन टू इन्फिनिटी। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट अवर सोल्यूशन। बट ऑलवेज रिमेंबर, यू विल ऑलवेज हैव अदर वेज टू राइट इट। इसे लिखने के और भी तरीके हमेशा ही रहते हैं। ओके, जैसे कि यहीं पर मैं एक अल्टरनेट बता के रख देता हूं। बहुत सारे अल्टरनेटिव तरीके होते हैं लिखने के। एक तरीका ये हो सकता था, माइनस इन्फिनिटी टू हाफ यूनियन फाइव टू इन्फिनिटी माइनस सेवनटीन, ये भी एक तरीका था जस्ट लिखने का। बट हम लोगों ने जो मोस्ट यूज्ड तरीका है वो लिखा है। मैं और कुछ तरीके बताना चाहता हूं, लेकिन एक ही साथ में आपको सब कंफ्यूज कर देंगे तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूं। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। ओके, सो लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन नाउ। चलो, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो। एज यू कैन सी, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। कैसे इजीली सॉल्व होगा? आप लोगों को यहां पर बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस दो वैल्यूज है, एक है माइनस थ्री और एक टू। दोनों जगह पर जीरोज हैं, एक्स का कोएफिशिएंट दोनों जगह पर पॉजिटिव है, तो आपको टू के इस साइड में पॉजिटिव, लेकिन मल्टीप्लिसिटी ऑड है तो वापस इस रीजन में आए और इधर गए। सो अ वेरी क्लियर सॉल्यूशन इज निगेटिव और जीरो दोनों चाहिए, सो माइनस थ्री से टू, इंक्लूडिंग माइनस थ्री एंड टू। बट गाइस, डू यू रिमेंबर कि यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने इसके पहले भी आपको एक मेथड पढ़ा दी थी। हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का इनइक्वालिटी सॉल्व करना पहले ही सीखा है। अभी कल परसों देखने के लिए आपको कुछ वीडियोस भी भेजे गए थे, राइट? जो न्यू बैच है उन लोगों के लिए, आई होप उन्होंने वो वीडियोस देखे हैं, जिसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका भी अपनाया था। हमें वहां पर इनइक्वालिटीज की चीजें मालूम थी, राइट? उसके हिसाब से हमें मालूम होता है उसका ग्राफ का शेप कैसा रहेगा एटसेट्रा, ग्राफ का शेप कैसा रहेगा एटसेट्रा हमें मालूम रहता है। नाउ यहीं पर मैं और एक क्वेश्चन कर रहा हूं। सॉल्व एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री इज लेस देन इक्वल टू जीरो। उज्जवल, अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि हमें पॉलिनोमियल के लिए ही यूज करना है, ठीक है? वेवी कर्व मेथड लॉगरिथम में डायरेक्ट नहीं लगेगी, लेकिन कुछ केसेस में हम लोग यूज कर पाएंगे, वहां तक मैं आपको लेकर चलूंगा, प्रोवाइडेड हम लोग आज यहाँ पर आज और कल मिलकर इस पर्टिकुलर चीज में कंफर्टेबल हो जाए। तो गाइज, यहाँ पर फिर से माइनस थ्री और टू है, और यहां पर अगर मैं
पॉजिटिव निगेटिव का देखो, सो द ग्राफ अब हमें लेस देन इक्वल टू जीरो चाहिए, तो यहां पर सॉल्यूशन होगा, यस गाइस वेरी गुड, सॉल्यूशन होगा -3 to 2, क्योंकि -3 पर वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं होती, जहां पर पोल है वो हमारे सॉल्यूशन में कभी आएगा ही नहीं। ओके नाउ ये दोनों प्रॉब्लम सभी को ध्यान में आ चुके होंगे। क्या कोई आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड है ये पता करने में कि मैंने जो बोला था कि यहां पर जो ग्राफ्स होते हैं ये एग्जैक्ट नहीं है, यहां पर हमने जो निकाला है, तो आर यू इंटरेस्टेड टू नो कि ये दोनों ग्राफ एक्चुअल में कैसे दिखते होंगे, राइट? फिर से वो भी मैं सिर्फ आपको अंदाजा दे रहा हूं, आई एम नॉट टेलिंग यू एवरीथिंग एग्जैक्टली, ठीक है? तो जस्ट मैं एक बार बता रहा हूं, इसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा अभी। देखो इसका ग्राफ आपको ऑलरेडी मालूम है, क्वाड्रेटिक का ये इस तरीके से कुछ चलता है। आपको मालूम है क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा रहता है जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, और ऐसा रहता है जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। एक पैराबोला का ग्राफ बोलते हैं हम, ऐसा ग्राफ आया, ठीक है? तो ये तो क्लियर है। यहां का ग्राफ कैसे आएगा नीचे? एक्चुअल में इसका ग्राफ आएगा ये इधर, ये इधर से तो ठीक है, ठीक है? फिर इस साइड में ये ग्राफ ऐसा जाता है, ये जो थ्री की लाइन है, इस थ्री की लाइन को ऐसे नीचे पैरेलल होते जाता है, क्योंकि इस लाइन को वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, और इस साइड में पोल का मतलब समझो, पोल पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती, इसलिए इन्फिनिटी के तरफ जाती है। तो यहां पर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और जहां पर नेगेटिव है वहां पर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है पोल के पास। तो पोल के पास ग्राफ जनरली ऐसे होता है। तो मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था ये पोल का शेप है, यानी पोल पर क्या होगा वही बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है? मैं फिर से एक बार प्लॉट कर रहा हूं, पोल पर लेकिन ऐसा एक्चुअल ग्राफ बनाने का हमें यहां पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं देखना चाहते कि एक्चुअल शेप क्या है, हम लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कहां पर पॉजिटिव है और कहां पर निगेटिव है, ठीक है? तो चलो ये मैंने थोड़ा सा बता तो दिया, लेकिन अब आप लोग इसको छोड़ भी सकते हो, इतना कुछ दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। जो ग्रीन का शेप है वो मैंने आपको एक बार बता दिया, ठीक है? अगला एक क्वेश्चन, ये लब्धि को डाउट आया था तो उसने भेजा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो मैंने सोचा सबके साथ शेयर कर दो। थैंक यू लब्धि फॉर शेयरिंग दिस क्वेश्चन। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी दिस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस सेवन अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस फोर इज लेस देन जीरो, हाउ टू सॉल्व दिस? डिनोमिनेटर में मॉड है, और मॉड को सॉल्व करने के कुछ तरीके मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जो मैंने 6 वीडियो कल परसों भेजे हैं उसमें से लास्ट वीडियो मॉड्यूलस पर है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ करके फायदा ही नहीं है। यहां पर सिर्फ ये सोचना होगा, राइट, कि फैक्टराइजेशन करते वक्त अगर हम लोग जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगले स्टेप में मैं लिख सकता हूं, दैट इज यहां पर न्यूमरेटर के फैक्टर्स क्या होंगे? सो न्यूमरेटर के फैक्टर्स है एक्स प्लस सेवन इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स प्लस फोर लेस देन जीरो। यस उज्जवल, बहुत सही बताया आपने, यहां पर हमें देखना होगा कि मॉड ऑफ एक्स प्लस फोर इज ऑलवेज पॉजिटिव
for x not equal to 4, क्योंकि सॉरी x नॉट इक्वल टू माइनस फोर नॉट फोर, एक प्रॉब्लम जाएगा, कौन सा प्रॉब्लम जाएगा, x की वैल्यू माइनस फोर नहीं होनी चाहिए डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होना यह हमारे लिए बड़ा ही टेंशन वाला काम हो जाता है। तो पहले तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो आप अगर देखते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू माइनस फोर, ये करते हुए मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, बाय मॉड ऑफ x प्लस फोर। अब ये मल्टीप्लाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं सिर्फ जिनको स्टेप्स समझ में लेने रहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो x प्लस सेवन इंटू एक्स माइनस वन, ये लेस देन ज़ीरो रहेगा, क्योंकि जब आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो पॉजिटिव से जब मल्टीप्लाई करते हो तो लेस देन का लेस देन रहता है, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन रहता है, लेस देन का लेस देन रहता है, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन रहता है। सो हम लोग अगर अब इसको प्लॉट करने जाएंगे तो एक वैल्यू है माइनस सेवन, एक वैल्यू यहां पर माइनस फोर, हमें वो भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, और ये okay, यहां पर कहीं पर वन है। सो हमें वन माइनस सेवन, और अगर हमने ग्राफ शुरू किया तो आपको मालूम है ये ऐसे आएगा, इस रीजन में इस तरीके का ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। ये किस चीज का ग्राफ बना रहा हूं मैं, इसका, ठीक है, इसका x प्लस सेवन इंटू एक्स माइनस वन। लेकिन अगर मुझे यहीं पर इसका ग्राफ बनाना है द ओरिजिनल गिवन, तो आपको मालूम है यहां पर फिर माइनस फोर भी छोड़ना पड़ता है, करेक्ट, और शायद मैं ग्राफ थोड़ा सा ऐसा बनाऊं। ओके, सो ज्यादा आपको परेशान किए बिना सीधा आंसर लिखते हैं अभी। सो हमें जो चाहिए उसके हिसाब से, माइनस फोर भी नहीं चाहिए क्योंकि माइनस फोर पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। ओके, और फिर मैं समझता हूँ कि इसे ऐसा लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है माइनस सेवन टू वन माइनस माइनस फोर, या फिर उसे ही लिखने का दूसरा तरीका है, दैट इज माइनस सेवन टू माइनस फोर यूनियन माइनस फोर टू वन। और अब गड़बड़ ये है कि आप देखो इसमें से कोई भी चीज़ ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई भी चीज़ ऑप्शन में नहीं है, एज इट इज जैसा का वैसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है। योगेश्वर, आपके केस में माइनस फोर का दूसरा ब्रैकेट भी राउंड होना चाहिए था, ठीक है, ओके, लेकिन फिर कौन सा करेक्ट है? तो अगर आप केयरफुली देखते हो तो इसमें से ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें से नहीं है, बी नहीं है यहां पर कीर्तिराज, क्योंकि बी में माइनस सेवन से प्लस फोर है, माइनस फोर नहीं है, माइनस सेवन से। सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ओके, इसी क्वेश्चन के तरफ आप और एक तरीके से देख सकते हो, अगर आप ओके, अब इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा मैं एक और तरीका बताता हूं आपको। गाइज, आपको ये तो ध्यान में आ गया था ना कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी नहीं है,
ठीक है, ओके, चलो इसमें आगे बढ़ते हैं और कोई क्वेश्चन करते हैं। डीपीपी का, हाँ, ए एंड डी नहीं है, फिर हमें थोड़ा सा कंपैरिजन के साथ करना पड़ता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सपोज आज 5, लेकिन आपके इसमें जो सेट दिया गया है आपको सॉल्व करने के लिए, उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 आज का हमारा 5th क्वेश्चन है, लेकिन असाइनमेंट क्वेश्चन 4, डीपीपी क्वेश्चन 4, ठीक है। डीपीपी क्वेश्चन 4 क्या बोला गया है, 2x-1 इंटू x-1 टू द पावर 4 इंटू x-2 टू द पावर 4 अपॉन x-2 इंटू x-4 टू द पावर 4। अब यहां पर जो क्वेश्चन है वो ये आया कि 2, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें ध्यान में रखो, या तो आप यहां पर x-2 का पावर 5 पकड़ लो, ठीक है, ओके। कुछ चीजें ध्यान में रखो हमेशा, यू कैन कैंसल समथिंग ओनली इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको आप दो तरीके से डील करो, या तो आप x-2 को एज इट इज रखो और बोलो कि उसका पावर 5 है, समझेगा, मैंने 4 into 1, मैंने 4+1 कर लिया तो भी चलेगा, या फिर आप x, नहीं नहीं स्मिथ, टोटल मल्टीप्लिसिटी लेनी पड़ती है, टोटल मल्टीप्लिसिटी ऑड है, x-2 की टोटल मल्टीप्लिसिटी ऑड है, या तो आप 4+1 पकड़ो या 4-1 पकड़ो, मल्टीप्लिसिटी ऑड है, ओके। तो मैं इसे क्या क्या लिखते जा रहा हूं देखिए, सबसे पहले तो इफ x इज नॉट इक्वल टू 2, अगर x की वैल्यू 2 नहीं है तो x-2 upon x-2 इज इक्वल टू 1, अगर x नॉट इक्वल टू 2 है तो, क्योंकि 2 आपको ऑलरेडी छोड़ना पड़ा, पोल एट 2, ठीक है। अब आप लिखो x-1 टू द पावर 4 x-2 का क्यूब x-2, अभी नहीं लिखा तो भी चलेगा क्या, मैं फिर से बता रहा हूं, 2-3 तरीके से कर सकते हैं, मैं लिख कर भी कर सकता हूं, लेकिन लिखूंगा तो भी वहां पर मल्टीप्लिसिटी ऑड रहेगी, x इज नॉट इक्वल टू 2, सो सिंपली कौन से वैल्यूज है, 1, 2, 4, टू और फोर हटा ही देना है पहले से ही, डिनोमिनेटर जहां पर 0 आया उसको हटा ही देना है, उसके बारे में ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं। और अब 4 पर इवन है, 2 पर ऑड है, 1 पर इवन है और हाफ पर ऑड है, और हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, सो लेस देन इक्वल टू 0 के हिसाब से
सॉल्यूशन हो गया हाफ से लेकर टू तक, हाफ से लेकर टू। So guys, have you understood this? अगर आपने एज इट इज रख के भी सॉल्व किया रहता तो भी हो जाता है। आपको ध्यान रहना चाहिए, आना चाहिए कि कैसे लिखना जरूरी है, कैसे आगे बढ़ना जरूरी है। सो विच क्वेश्चन शुड वी टेक नेक्स्ट? स्वरूप हाफ के साइड में स्क्वेयर ब्रैकेट चाहिए। अच्छा, और आपको शायद ये मैं अभी तक नहीं बताया, लेकिन एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। अभी तक हमने जो सीखा उसमें कैन बी रिटन एज, ये जो चीज़ है इसको ऐसे भी लिखा जाता है कई जगह पर। ये जो मैंने रेड में लिखा वो कंफ्यूज मत होना, बस जिनको समझ में आता है वही यूज़ करो, बाकी के लोग ये वाला यूज़ ही मत करो। जनरली किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं रहता, 100 में से एक आधे बुक में आपको ऐसा लिख कर दिखेगा, क्योंकि आपको समझना होगा कि ऐसा ब्रैकेट ओपनिंग अगर सपोज क्लोज वाला है तो इसका मतलब हो गया कि इधर ही एंड हो गया। तो ये दोनों चीज़ें सेम हैं, ये मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है। जिनको ध्यान में आता है दे कैन यूज़, दे कैन रीड। नहीं, ब्रैकेट के प्लेसेस नहीं चेंज हुए स्मिथ, ब्रैकेट के प्लेसेस नहीं चेंज हुए। देखो मैं कुछ और बता देता हूँ, ऊपर टॉप में देखो मैं क्या क्या लिखते जा रहा हूँ। ए बी है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, फिर राउंड ब्रैकेट में ए बी है तो इसे लिखा जा सकता है ओके। इसका मतलब ध्यान में रखो, इसका मतलब ऐसा लिया जाता है कि ए अंदर है, मतलब ए के पहले वाले में ए नहीं है, तो ये सेम मीनिंग हो गया। हाँ राइट राइट, थोड़ा सा ऐसा ऋषिकेश वैसा नहीं है, आपने राउंड को स्क्वायर नहीं बनाते, राउंड लेफ्ट की तरफ ओपन हो रहा है तो स्क्वायर राइट की तरफ ओपन करके बना सकते हैं। तो ये जो मैंने नया बताया ये भूल ही जाओ, जिनको ये ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है वो लोग यूज़ करो, जिनको ये समझने में तकलीफ जाती है उन्होंने कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट हमारे जेई के एग्ज़ाम में ऐसा ही यूज़ होगा। हमारे जेई के एग्ज़ाम में जो मैं लिख कर दे रहा हूँ रेगुलर वाला वैसा ही यूज़ होगा, कुछ ऐसा अटपटा सा नहीं दिया जाएगा। सो दैट वी कैन, नहीं 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 भूल जाओ, ये सिर्फ मैंने बता के रख दिया, क्योंकि कोई नया बुक वगैरह आपने ले लिया और उसमें दिखा तो आप बोलोगे कि सर ने बताया नहीं था, मालूम होना चाहिए, करके बताया, मालूम नहीं रहा तो भी चलेगा, क्योंकि हमारे जेई के एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं आएगा। चलो सेवन्थ पूछा गया, सेवन्थ में एट एक्स स्क्वेयर प्लस 16x माइनस 51 अपॉन, टू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। 8x स्क्वेयर प्लस 16x माइनस 51 अपॉन 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। अब न्यूमरेटर के फैक्टर्स कुछ होते हैं क्या? न्यूमरेटर्स के रियल फैक्टर आएंगे कि नहीं पता करने के लिए न्यूमरेटर का डेल्टा निकालते हैं। बी स्क्वेयर 16 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू
सी, तो ये तो पॉजिटिव जा रहा है, मतलब न्यूमरेटर के फैक्टर्स निकलेंगे। ओके कितना आ रहा है? यस, सो 16 स्क्वायर कितना होता है? चलो बताओ, कैलकुलेशंस आप लोग करो। टोटल नंबर बताओ, 256 प्लस 1632 कितना होता है? 1632। क्या इसका कुछ स्क्वायर रूट वगैरह मालूम है? ओके वेरी गुड। अब रुको जरा और मेरी बात सुन लो। कभी भी हम लोगों ने इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करके रखना चाहिए, क्योंकि हमें डेल्टा पॉजिटिव है मालूम तो हो गया था, ठीक है? तो एक्चुअली हमें ऐसा करना चाहिए था, 16 × 102 और फिर 16 कॉमन निकाल के हमें लिखना चाहिए था 118। सर ग्रेटर देन 3 है। अरे यार, ओके गाइस, सो अभी तक किया हुआ सब वेस्ट गया। प्रॉब्लम को चेंज करते हैं। प्रॉब्लम में क्या दिया है? थैंक यू लब्धि वंस अगेन। और किसी ने बताया था क्या मुझे ग्रेटर देन 3 है करके? तो पहले तो फिर हमें ये करना पड़ेगा यार, 8x² प्लस 16x माइनस 51। ये है ना, क्या बोलते हैं, हम लोग, मैं भी आप लोग के जैसा ही हूँ, हम लोग कभी कभी ध्यान ही नहीं देते कि, यानी केयरफुली ध्यान नहीं देते प्रॉब्लम की तरफ। तो डिनोमिनेटर 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट ध्यान में आ रहा है। इट इज 2x² प्लस 8 माइनस 3 प्लस 5x, ठीक है? सो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, 8x² प्लस 16x माइनस 51 माइनस ऑफ 3 इंटू, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 2x² प्लस 5x माइनस 12 हो जाएगा, अपॉन 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। प्रोडक्ट करके लिखने में जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर नहीं लिखना है, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर हमने लिख दिया। सो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। अच्छा, आपको ये पता चल गया ना, यहाँ पर हमने दोनों साइड में 3 सब्ट्रैक्ट किया है। यहाँ पर क्या किया है, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। और आपको मालूम है कि दोनों साइड में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। सो इट इज 8x² माइनस 6x², 8x² माइनस 6x², इट इज 2x², 16x माइनस 15x प्लस x माइनस 51 प्लस 36
माइनस 51 प्लस 36, इट इज माइनस 15 अपॉन 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4. सो इट इज न्यूमरेटर के फैक्टर्स देख रहा हूं मैं, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 15. सो 2x कॉमन निकाला तो x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, सॉरी ये 5x, हाँ माइनस 5 कॉमन निकाला तो x प्लस 3. सो इट इज x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 5. तो फैक्टर्स आर x प्लस 3, 2x माइनस 5 अपॉन x प्लस 3, सॉरी 2x प्लस 2x माइनस 3. इंटू एक्स प्लस 4 एंड दैट इज ग्रेटर देन 0. एक्स प्लस 3 एज इट इज, यहां से 2 कॉमन निकाल के मैं लिख रहा हूं एक्स माइनस 5 बाई 2. डिनोमिनेटर में फिर से यहां पर 2 कॉमन निकाला, एक्स माइनस 3 बाई 2 एंड एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0. तो हमें जो सॉल्व करना है वो ये है, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 बाई 2 अपॉन एक्स माइनस 3 बाई 2 इंटू एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0. सो वी हैव माइनस 4 माइनस 3 फिर 3 बाई 2 और 5 बाई 2, बीच में कहीं पर 0 है. सो 3 बाई 2 और 4 3 बाई 2 और माइनस 4 पोल्स, माइनस 3 और 5 बाई 2 जीरोज. एक्स का कोएफिशिएंट हर साइड में पॉजिटिव है और हर जीरो और पोल की मल्टीप्लिसिटी ऑड है, तो इसको साइड चेंज करते हुए ही चलना था, हमें पॉजिटिव चाहिए. सो सॉल्यूशन हो गया माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 4 यूनियन 3 टू 3 बाई 2, माइनस 3 टू 3 बाई 2 यूनियन 5 बाई 2 टू इन्फिनिटी. गाइज यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है, इसीलिए माइनस 3 और 5 बाई 2 भी नहीं रहेगा सॉल्यूशन में. सो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया हमने, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 4, माइनस 3 टू 3 बाई 2 एंड 5 बाई 2 टू इन्फिनिटी. सो ये समझ में आ गया होगा. अब 8th क्वेश्चन पूछा गया है मुझे, तो 8th मैं अभी आज बताता हूँ. ओके, आज का 7th और DPP का क्वेश्चन नंबर 8, 4 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इज लेस देन 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 माइनस 4 एक्स प्लस 2 प्लस 2 एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स. हमने कुछ इनइक्वालिटी का यूज़ ही नहीं किया है, इसीलिए
ज़्यादा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है. सो वी हैव 6 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स लेस देन 1 है. इसको माइनस 1 कर दिया तो ये लेस देन 0 हो गया. सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स. अब यहाँ पर आपको केयरफुल होना पड़ता है जब आप इनइक्वालिटी के साथ डील कर रहे हो तो, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं रहता है. सो न्यूमरेटर में से ओके एज इट इज रहने देता हूँ थोड़ी देर के लिए. 6 माइनस 2x माइनस ये डिनोमिनेटर जो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स. आई होप आप लोगों को ध्यान में आ रहा है मैं सिंपल अल्जेब्रिक कैलकुलेशंस कर रहा हूँ. सिंपल अल्जेब्रिक कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर. यहाँ तक क्लियर है सभी को? होल स्क्वायर कैसे चाहिए रहेगा बेटा? ए माइनस बी ए प्लस भी लगेगा. एक वन प्लस एक्स है, दूसरा वन माइनस एक्स है. दोनों वन प्लस रहे या दोनों दोनों प्लस या दोनों माइनस रहते तो होल स्क्वायर लगता. यहाँ पर एक ए प्लस भी है, एक ए माइनस भी है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इज इट क्लियर? जिनका भी डाउट था उनका क्लियर हो गया क्या? खुशी? ओके. अब 6 माइनस 1 मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेता हूँ. माइनस ऑफ माइनस प्लस एक्स स्क्वायर का साइन प्लस हो गया. एक्स स्क्वायर का साइन प्लस, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x 6 माइनस 1 प्लस 5 अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इज लेस देन 0. न्यूमरेटर के फैक्टर्स. न्यूमरेटर डेल्टा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी निगेटिव. हेंस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज ऑलवेज पॉजिटिव सिंस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव. गाइज डू यू अंडरस्टैंड न्यूमरेटर ऑलवेज पॉजिटिव क्यों है? आपको मालूम है जब डेल्टा निगेटिव आता है तो ग्राफ या तो ऐसा होता है और ऐसा होता है. फॉर डेल्टा निगेटिव ग्राफ या तो ऐसे होता है या ऐसे होता है. ये कब और ये कब आपको ये मालूम होगा? डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस फर्दर? सो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 5 is greater than 0 for all x. Hence, 1 upon 1 plus x into 1 minus x is less than 0. अब मैं इसको लिखना चाहूँगा 1 upon x plus 1 into x minus 1, लेकिन यहाँ पर मुझे negative sign लेना पड़ा. 1 minus x को x minus 1 किया तो इसको मैंने less than 0 किया. So it is 1 upon x plus 1 इंटू एक्स माइनस वन, ये ग्रेटर देन जीरो हो गया. मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन. ओके सो यही पर शॉर्ट ग्राफ मैं बना लेता हूं. एक साइड में मैंने माइनस वन लिया, दूसरे साइड में प्लस वन,
और अब आपको मालूम है दोनों साइड में यानी दोनों जगह पर पोल है, ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव. सो टेल मी व्हाट इज द सॉल्यूशन नाउ. ग्रेटर देन जीरो चाहिए. सो या तो आपको माइनस वन के नीचे चाहिए, यानी आपका जो सॉल्यूशन है वो माइनस वन के नीचे और वन के ऊपर है. यस, सो सॉल्यूशन इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी. आप में से कई सारे लोगों को ये सॉल्यूशंस थोड़े से अटपटे से लग सकते हैं कि क्या कर रहे हैं हम लोग, इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं मतलब. हाँ यस, नहीं उज्ज्वल, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा सकते आप, स्क्वेयर ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे. उज्ज्वल आपने जैसे लिखा उसमें स्क्वेयर ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे. उज्ज्वल डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या बता रहा हूं. इस सॉल्यूशन का लिखने का दूसरा तरीका था r माइनस माइनस वन टू वन स्क्वेयर ब्रैकेट, क्योंकि आपके सॉल्यूशन में माइनस वन और वन के बीच के वैल्यूज आ गए. ओके ठीक है. सो गाइज देखो, इनइक्वालिटीज़ के साथ डील करना ये सीखना है हमें धीरे धीरे. इनइक्वालिटीज़ अभी और बहुत बाकी हैं. हमें लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ की बात करनी है, हमें ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ की बात करनी है, राइट. तो मैं एक्चुअली इस साल को एक ऐसे समझ रहा हूँ कि हमारे लिए ये एक बेनिफिशियल साल है कि जिसमें अभी तक कॉलेज शुरू नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ती हैं, लेकिन इसको बहुत समय लगता है. तो वी आर हैविंग टाइम टू डिस्कस ऑल दिस काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज इन डिटेल्स. सो वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन. कल हम लोग ये वाला DPP का अगर कुछ डाउट्स रहे तो वो कवर करेंगे, और उसके आगे आई वुड लाइक टू मूव टूवर्ड्स सम अदर पोर्शंस. मैं सभी न्यू बैच के स्टूडेंट से फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ तक हो सके ट्रिगोनोमेट्री के सभी वीडियोज जितने देखने के लिए बोले गए हैं, और इनइक्वालिटीज़ के कल परसों जो भेजे गए हुए वीडियोस है वो एक बार पक्का देख लीजिए, ठीक है. आई विल कवर इट फॉर एवरीवन, नो वन नीड टू पैनिक. बस इतना ध्यान में रखना कि कुछ चीज़ें हम लोग ऑनलाइन करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें मैं कॉलेज शुरू होने के बाद फिर से रिवाइज भी करना चाहता हूँ, इसीलिए शायद अभी ज़्यादा नहीं करता हूँ, ठीक है. तो वी हैव प्लान इन प्लेस, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट अस एंड कीप स्टडिंग. ओके चलो, बाय बाय.